हम तो जानना चाहते हैं कि आखिरकार उन्होंने कौन सा काम किया है, और अगर कोई काम किया हो तो बता दें। अभी आदरणीय गुलाम नबी आजाद साहब ने बहुत विस्तार से बताया कि नोटबंदी से कितनी तकलीफ हुई, कितनी परेशानी हुई, लोगों की जान चली गई, कारोबार छूट गया, नौकरी छूट गई, सबका सब काम रुक गया, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, और जो काले धन और जो भ्रष्टाचार की बात की थी आज तक उसका जवाब नहीं मिला। और हम तो कहते हैं जिनकी जान गई, अगर किसी ने मदद की उन लोग के परिवारों की, तो समाजवादी सरकार ने उनके परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने का काम किया। वहीं आप जानते होंगे, जाने तो बहुत गई वो बता दी, लेकिन लाइन में लगे लगे एक बच्चे का भी जन्म हो गया था, आपको याद होगा, पता होगा, जानकारी होगी। और बैंक के लोगों ने उसका नाम खजांची रख दिया था। मैंने जब ढूंढवाया, जानकारी की, तो वो बच्चा सबसे गरीब परिवार का उस मोहल्ले का निकला। मैंने उसकी मां को बुला करके 2 लाख रुपए दे करके उसकी भी मदद करने का काम किया। हम तो पूछना चाहते हैं समाजवादी लोग, ये लखनऊ का चुनाव है, प्रधानमंत्री बगल में बोल के चले गए, अगर एक भी काम बताया हो कि लखनऊ में उन्होंने एक भी काम किया तो हमें बता दें। एक भी बड़ी योजना उत्तर प्रदेश में लाने का काम किया हो तो बता दें। और प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में थाने चला रहे हैं समाजवादी लोग। हम तो प्रधानमंत्री को समझते थे कि विदेश जाते हैं कुछ न कुछ भारत के लिए लेकर के आएंगे। जिस देश में जाते हैं कई बार लोग निशानी लेकर के आते हैं। ये तो कमाल के प्रधानमंत्री निकले, किसी देश से कुछ लाए नहीं हमारे लिए। अगर कुछ लाए हो तो बताओ। और कम से कम समाजवादी लोग कह सकते हैं, हम लोग विदेश गए हो न गए हो, लेकिन जिस तरह कैसे दुनिया में इमरजेंसी सर्विस है पुलिस के लिए, व्यवस्था है पुलिस के लिए, हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा था पुलिस के, वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा था सरकार के, और कम से कम वो सिस्टम देख करके आए, वो व्यवस्था देख करके आए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, देश में अगर किसी ने पुलिस के लिए और आम लोगों को सुविधा देने के लिए, मदद के लिए अगर किसी ने व्यवस्था की है, तो उत्तर प्रदेश वाला 100 नंबर वो समाजवादी पार्टी ने शुरू करके दिखाया।